हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्टैंडर्ड थर्ड यूनिट नंबर फोर्थ। फोर्थ का नाम क्या है? यंग वंस। यंग वंस का मतलब ये होता है बच्चों, बच्चे। जैसे हम अपने माता पिता के बच्चे हैं ना, इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं, क्या है बेटा? एनिमल्स। एनिमल्स मतलब क्या होता है? जानवर। उनके बच्चों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे आप पिक्चर देख रहे होंगे, पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा। जैसे देखो, फर्स्ट में आपको कीट के बच्चा दिखाई दे रहा है, सेकंड में आपको डॉग का बच्चा दिखाई दे रहा है। तो आज हम ये देखेंगे कि इंग्लिश में इनको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले कीट का बच्चा यानी कि बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं अपन? किटन। क्या बोलते हैं? किटन। स्पेलिंग बोलो मेरे साथ, KITTEN, किटन। KITTEN, किटन। किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा। वेरी गुड, सबको आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बेटा? डॉग का बच्चा। डॉग तो आप सब जानते हो, डॉग के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? पपी। क्या बोलते हैं? पपी। PUPPY, पपी। पपी मीन्स पिल्ला, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पिल्ला। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? डक का बच्चा। डक आप जानते हो ना, बतख, बतख के बच्चे। तो इसको अपन बोलते हैं डकलिंग। क्या बोलते हैं? डकलिंग। DUCKLING, डकिंग, यानी कि बतख का बच्चा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपने देखा होगा, हैन का बच्चा देखा है ना आपने? हैन मतलब मुर्गी, और मुर्गी के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? चिकन। क्या बोलते हैं? चिकन। CHICKEN, चिकन। CHICKEN, चिकन। चिकन मीन्स चूजा। तो वापस एक साथ मेरे साथ फिर से बोलिए, किटन पप्पी डकिंग चिकन। किटन पप्पी डकलिंग चिकन। वेरी गुड, सबको आ गया है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर और भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जो ये आपको काऊ जैसे नजर आ रही है ना, यस, ये काऊ का बच्चा है, जैसे अपन बछड़ा बोलते हैं ना बेटा। तो इस बछड़े को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काफ। क्या बोलते हैं? काफ। मेरे साथ बोलो, काफ। CALF, काफ। CALF, काफ। वेरी गुड, सबको आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्या है? किड। इसको क्या बोलते हैं? किड। आपने देखा ना, किड को तो देखा है आपने, मेमना। KID, किड। KID, किड। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? लाम, लैम। ये मेमना है। क्या है? मेमना। शिप देखिए आपने, शिप, उसका बच्चा है। LAMB, लैम। LAMB, लैम। लैम मीन्स मेमना। अब वापस मेरे साथ बोलो, काफ कीड लैम। काफ कीड लैम। वेरी गुड, सबको आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास किसका? एक तो हॉर्स का बच्चा है, लायन का बच्चा है, और किसका है? पिग का बच्चा। अब हॉर्स के बच्चे को क्या बुलाते हैं बेटा अपन? फॉल। क्या बोलते हैं इसको? फॉल। फॉल मतलब बछड़ा या बछड़ी। अब कोई भी हो सकता है, जेंडर कौन सा भी हो सकता है। FOAL, फॉल। FOAL, फॉल। वेरी गुड। लायन के बच्चे को हम क्या बुलाते हैं? कब। क्या बुलाते हैं बेटा? कब। CUB, कप नहीं, कब। क्या बुलाते हैं? कब। CUB, कब। कब यानी कि सिंह का बच्चा, जिसे अपन शावक भी बुलाते हैं। पिग। पिग मतलब क्या होता है बेटा? सुअर। अब सुअर के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? पिगलेट। क्या बुलाते हैं? पिगलेट। PIG, पिग। पिग अपन को याद है, उसके पीछे एक LET, पिगलेट। हो गया ना ये सी। तो हमने यहाँ पर क्या देखे? अलग 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 एनिमल्स की देखी। कैट के बच्चे को देखा, डॉग के बच्चे को देखा, डक के बच्चे को देखा, हैन, काऊ, गॉट, शीप, हॉर्स, कब एंड पिग, है ना, सबके बच्चों को देखा। देखो वापस एक बार फिर वापस दोहरा रही हूँ। केट के बच्चे को क्या कहते हैं अपन? किटन। केट के बच्चे को किटन। डॉग के बच्चे को पपी। डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं बेटा? पपी। एंड डक के? डकलिंग। डक के बच्चे को डकलिंग। एंड हैन के बच्चे को हम क्या बुलाते बेटा? चिकन। हैन के बच्चे को चिकन। काऊ के बच्चे को काफ। काऊ के बच्चे को काफ। गॉट के बच्चे को किड। गॉट के बच्चे को किड। एंड शिप के बच्चे को लैम। शिप के बच्चे को लैम। एंड नेक्स्ट क्या बेटा? हॉर्स। हॉर्स के बच्चे को क्या बुलाते हैं अपन? फोल। क्या बोलते हैं बेटा? फोल। एंड
लायन, लायन के बच्चे को हम क्या बुलाते हैं? कब। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा? पिग। और पिग के बच्चे को हम क्या बुलाते हैं बेटा? पिगलेट। तो आपको समझ में आया? अब देखो आपका एग्जाम है, आपको बताना है। अब जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी, बड़ी वाली डेयरी मिल्क। कौन बताएगा मुझे सबसे पहले? फन टाइम। यस, आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे देखो, यहाँ पर मम्मा भी दे रखी है और बेबी भी दे रखा है। कहने का अर्थ, बिग भी दे रखा है, स्मॉल भी दे रखा, मतलब डॉग भी दे रखा और डॉग का बच्चा भी दे रखा। दे रखा है फर्स्ट एग्जाम्पल देखो तो अपन क्या बोलेंगे? अ डॉग एंड अ पपी। डॉग और कौन है बेटा यहाँ पर? पपी। पपी मतलब उनका बच्चा। तो आप कैसे लिखेंगे? अ डॉग एंड अ पपी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अ काऊ एंड अ क्लाफ। अ काऊ एंड अ काफ। दिखाई दे रहा है आपको? काऊ भी है और काऊ का बच्चा भी है। नेक्स्ट देखो, अ पिग एंड पिगलेट। अ पिग एंड पिगलेट। वेरी गुड, आ गया ना अब तो? पिग और पिगलेट दोनों है तो अपन क्या लगेंगे? और के लिए क्या यूज करते? एंड का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग। जैसे आप और मम्मा कहीं मार्केट जाओगे, हम क्या बोलेंगे? मम्मा और गुड़िया, मम्मा और गुड़िया। वैसे ही यहाँ पर क्या है? अ पिग एंड पिगलेट। नेक्स्ट देखो बेटा, हैन एंड चिकन। अ हैन एंड चिकन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, आपको किसका पिक्चर नजर आ रहा है? लायन का। तो हम क्या बोलेंगे? अ लायन एंड अ कब। अ लायन एंड अ कब। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अ डक एंड डकिंग। अ डक एंड डकिंग। वेरी गुड, सबको आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्या है? हॉर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हॉर्स के बच्चों को हमने क्या पढ़ा था? फॉल। वेरी गुड, अ हॉर्स एंड फॉल। अ हॉर्स एंड फॉल। वेरी गुड। अब ये क्या है जो म्याऊ म्याऊ करती है? कौन है? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको डेयरी मिल्क मिलेगी, बड़ी वाली। वेरी गुड, क्या है बेटा? ये कैट है। तो ए कैट एंड किटन। अ कैट एंड किटन। तो आपको समझ में आया यहाँ पर कैसे हमने यंग वंस के नाम याद रखे, यानी कि बच्चों के नाम याद करें? बहुत सारे एनिमल्स थे हमारे पास, उन एनिमल्स के बच्चों के नाम याद करें। अब आप देखो बेटा, अब आपको क्या करना है? यहाँ मिलान करना है, सही जोड़ी को मिलाना। देखो उससे पहले अपना एक चुड़िया है, अ गॉट एंड किड, अ शिप एंड लैम। अ गॉट एंड किड, अ शिप एंड लैम। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्या दे रखे? पिक्चर्स दे रखे, दिखाई दे रहे पिक्चर्स। अब आपको क्या करना है? इनको मिलान करना है। अभी मैंने आपको सिखाया था ना, अभी आप मिलान करोगे। देखो सबसे पहले आप देख रहे हो क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ये कौन है? दिस कौन है? दिस इज एनीबडी? कौन बताएगा मुझे? ओके, दिस इज काउ का बच्चा। वेरी गुड। और काउ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं बेटा? काफ। अब बताओ मुझे काफ का लिखा हुआ है? ये दिख रहा है टीचर, CALF, काफ। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से इसको मिलान करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताओ और कौन दिखाई दे रहा है आपको? जो जो पहले आता है वो पहले पहले करो। ये क्या है बेटा? डॉग का बच्चा, जिसको अपन क्या बुलाते हैं? डॉग के बच्चे को क्या बुलाते हैं? जल्दी जल्दी से बताओ। पप्पी। वेरी गुड, पप्पी की स्पेलिंग क्या थी? PUPPY, PUPPY। तो दिस पप्पी। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, ये कौन है? लायन का बच्चा। और लायन के बच्चे को हम क्या बोलते थे? अभी बताओ, अभी आपने बताया था, क्या बोलते बेटा? कब। CUB, कब। CUB, कब। जो पहले आता है वो पहले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर आप देखो, ये आपको कौन नजर आ रहा है? कौन नजर आ रहा है जल्दी से बताओ? पिक। पिग नजर आ रहा है या पिगलेट नजर आ रहा है? कौन नजर आ रहा है? पिगलेट नजर आ रहा है, क्योंकि ये छोटा, और पिग क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? पिगलेट। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्या है? म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ क्या बोलते हैं म्याऊ म्याऊ के बच्चे को अपन? किटन। वेरी गुड, अब तो गुड गुड बॉय हो गए हो। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्या है? ये क्या है बताओ बताओ बताओ? हैन का बच्चे को हम क्या बोलते हैं? डकी, सॉरी, हैन के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चिकन। वेरी गुड। यहाँ ये डकिंग, तो बेटा ये इसका बच्चा हो, ये हो जाएगा डकिंग। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया तो आप इसको मत करिएगा। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास कौन कौन रह गया? एक तरफ तो हम दिखाई दे रहा है, कौन रह गया है? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, ये क्या है? लैम्ब। ये दिखाई दे रहा है बेटा? लैम्ब, LAMB,
लैम्प, वेरी गुड, बहुत। अभी आपने क्या देखा था बेटा? लैम्प देखा था, LAMP लैम्प। अच्छा ये कौन है बताइए, जल्दी से बताइए। अभी हमने देखा था, सीखा भी था गॉड के बच्चे को। गॉड के बच्चे को हम क्या बोलते बेटा? किड, KID किड, KID किड। अब हमारे पास कौन बच गया? दिस एंड दिस हॉर्स का बच्चा। ओके, हॉर्स के बच्चे को क्या बोला था बेटा अपन ने, जल्दी से बताओ? फोर, वेरी गुड। आप तो गुड गुड बॉय बन गए हो, अभी आपको सब आ गया। तो ये सारी चीज़ें जितना भी मैंने आपको सिखाया है, जितने भी चीज़ें सिखाई है, सारे बेबीज़ के नाम याद करने हैं। सबसे पहले एक तरफ तो एनिमल्स के नाम लिखने हैं और एक तरफ बेबीज़ के नाम लिखने हैं, और फिर क्या करना है आपको, होमवर्क नोटबुक में लिखना है। और ये इसको भी आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। तो आपको समझ में आया यंग वंस मतलब क्या होते हैं? बच्चों के नाम। थैंक यू।